उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माँ गंगा सहित अन्य गंगा की सहायक नदियों में लोग अपने घर की बासी पूजा सामग्री, साड़ियाँ, कपड़े और शीशे की तस्वीरें भी डाल देते हैं। यह गंगा की पूजा है या उस पर अत्याचार? वस्तुतः नदी की पूजा का अर्थ केवल घंटा बजाना नहीं वरन उसकी सफाई है। यह प्रयास ही नदी की वास्तविकता पूजा है। रविवार को गंगा में गंदगी न करने के लिए जागरूक करते हुए गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता की अलख जगाई। गंगा किनारे से प्रदूषित सामग्रियों को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। पर्यावरण शुद्धि के लिए गंगा तट पर हवन किया गया। लाउडस्पीकर से गंगाष्टम और द्वादश ज्योतिर्लिंगों का उच्चारण कर लोगों को स्वच्छता की सीख देते हुए राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड व सनातनी अध्यात्म का सार है। हमें गंगा को सहेजना होगा। गंगा स्वयं एक संस्कार है, इसे महिला ना करें। 50 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका केवल गंगा के जल पर निर्भर है। 25 करोड़ लोग तो पूर्ण रूप से गंगा जल पर आश्रित हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।